आपी क्या कर रही हैं? देख नहीं रहा, खुद तो कोई काम करती नहीं हो तुम। सारे काम मेरे ऊपर डाले हुए हैं। सॉरी ना, मुझे कॉल करनी थी जरूरी। इतनी जरूरी कॉल किसकी थी? आइसक्रीम आइसक्रीम खाने मेरी बात का जवाब तो तुमने दिया नहीं, अपने सवाल पूछ लो। चले? आपकी बात का ही तो जवाब दे रही हूं। आइसक्रीम खाने चले? पागल हो गई हो तुम? टाइम देखा है? अभी सिर्फ 9 बजे हैं और हम तो 12-1 बजे तक बाहर जाते हैं। राफेल के साथ, और राफेल इस टाइम घर पे नहीं है। अब उसके बगैर कभी नहीं जाने देंगे। क्या मुसीबत है, राफेल को भी अभी जाना था। अच्छा ऐसा करें, आप मेरे साथ रूम में चलें, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। मैं काम कर नहीं, रही अभी हूँ। नहीं, अभी नहीं, प्लीज क्या हो गया? छोड़ो तो सही। चले ना। क्या कर सही कह रही? काम कर रही थी मैं, बैठ गई हूँ। अब बोलो, ऐसी क्या बात थी जो तुम वहां नहीं कर सकती हो? समझा करे ना, दीवारों के भी कान होते। आप भी, मैं चाहती हूँ ना कि हम हमेशा साथ रहें, कभी जुदा ना हो। क्या कह रही हो तुम? ऐसे थोड़ी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, अगर हम दो भाई हों। क्या दो भाइयों? क्या कह रही हो तुम? मुझे नहीं समझ आ रही तुम्हारी। अच्छा एक बात बताएं, आपको डॉक्टर अदनान पसंद है या वो दानियाल भाई? ये कह रही हो तुम? बात तो मुझे तुम्हारी समझ आ गई है, लेकिन हाँ तो बताए ना, क्या बताऊं मैं इन बातों के बारे में नहीं सोच रही। ये क्या बात हुई? हाँ तुमने सुना तो था अम्मी क्या कह रही थी डॉक्टर अदनान के बारे में। मैं क्या कहूं अब? तो क्या आप अदनान भाई? नहीं, तो दानियाल। नहीं, काम है मुझे, मैं जा रही नहीं, हूं। मेरी बात सुन, सुनने चुप ना, करो ये तुम। क्या बात हुई? दनियाल बेटा, वो जो डिजाइन भिजवाए थे यूई, उनका कोई रिस्पांस आया? हाँ हाँ जी अबू, रिस्पांस तो उनका आया है, मगर उसमें से खाली 2 डिजाइन सिलेक्ट हुए हैं। ये क्या बात हुई? अच्छा, तुमने वो नए डिजाइनर के लिए ऐड तो दे दिया है ना? हाँ जी अबू, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक इंटरव्यूज भी हो जाएंगे। गुड अबू, प्लीज एटलीस्ट घर पे तो बिजनेस की बात मत किया करें आप लोग, प्लीज। कैसे ना करूं बेटा, तुम दोनों के फ्यूचर का सवाल है। हाँ तो अबू, मैं भी यही कह रहा था कि आप हमारे फ्यूचर के बारे में कुछ सोचे ना। क्यों बेटा, तुम्हें शक है कि मैं तुम्हारे फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहा? नहीं ऐसी भी बात नहीं है, लेकिन अबू अब मैं आपको इसका मतलब समझाता हूँ। अब नहीं अबू, बस इसका मतलब ये है कि इसकी अब शादी कर दी जाए। बेटा, तुम कद में जरूर बड़े हो गए हो, लेकिन अभी इतने बड़े नहीं हुए कि तुम्हारी शादी कर दी जाए। पहले अपने पैरों पे तो खड़े हो जाओ। ले, इतनी सी बात, ये देखें, अपने पैरों पर ही तो खड़ा हूं मैं। लगता है मेरे बेटे को कोई पसंद आ गई है, अगर ऐसा है भी तो अभी सब्र करो, दिल के दिल में रखो। पहले बड़े भाई की शादी होगी, उसके बाद तुम्हारी। लेकिन अब वो ऐसे ही होता है और ऐसे ही होगा। फिर तो बेटे तुम इंतजार करो। वो आप ही नहीं पोज कर दिया, देखना। मैं कहता हूँ आप रिविजिट करें इसे। अच्छा।